बिहार के जहानाबाद जिले के मखदुमपुर प्रखंड टोलाधर होरा मकरपुर गांव में कई वर्षों से आंगनबाड़ी भवन नहीं रहने से यहां के समुदाय के बच्चों महिलाओं के आंगनबाड़ी का लाभ नहीं मिल रही है। अभी आंगनबाड़ी की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, आहार भरा हुआ रहता है, कहीं फिसल के गिर गया तो कभी भी अप्रिय घटना घट सकती है। जी, तो कब से आंगनबाड़ी नहीं है? शुरू से है ही नहीं है, जब से ये गांव का निर्माण हुआ है, ये सब व्यवस्था चली है, तब से हमारे गांव में कभी कुछ विकास के कार्य हुआ ही नहीं है। आप आंगनबाड़ी पढ़वाने के लिए कहीं गए हैं? गए थे मिट्टू बिहार। तो यहाँ आपको बच्चा का एडमिशन हुआ है? नहीं, नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ? बोले कि 40 बच्चे से ज्यादा नहीं एडमिशन होगा। आपको रजिस्टर में नामांकन बच्चे कितना है? 40 बच्चे। तो 40 बच्चे से फालतू आ जाते हैं तो उसके लिए आप क्या करते हैं? उसको बैठा सकते हैं, लेकिन रजिस्टर में नाम दर्ज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसको अलाउ नहीं है 40 बच्चा से ज्यादा को। 40 बच्चा से आप फालतू आपका आंगनबाड़ी में पहुंच रही है तो इसके लिए आप क्या करिएगा? और आंगनबाड़ी आगे होना चाहिए। आप चाहते क्या है? चाहते कि मेरा भी इस गांव में केंद्र बने, मेरे गांव में भी बच्चे पढ़ने जाएं। वहां नाला नदी है, बीच में छोटे छोटे बच्चे के पढ़ने में दिक्कत होता है, पढ़ा नहीं पाते हैं। जी, आपको मान लिया जाए कि आपको स्कूल आंगनबाड़ी बन जाए आपको गांव में, तो क्या आपको सुविधा होगा? जी, सुविधा होगा नहीं। मेरे गांव में आंगनबाड़ी भवन रहने से बच्चे और महिलाओं की लाभ और शिक्षा मिल जाता है। जहाँ आंगनबाड़ी न हो वहाँ की स्थिति क्या होगी? मैं चाहती हूँ कि बाल विकास पदाधिकारी को मोबाइल नंबर 94 31 00 51 97 पर कॉल करके दबाव बनाए ताकि जल्द से जल्द आंगनबाड़ी समेकित बाल विकास परियोजना के तहत टोला धरहोरा मकरपुर गांव में आंगनबाड़ी भवन का निर्माण किया जाए। मैं आशा, जिला जहानाबाद, इंडिया के लिए।